मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की नई खेल नीति का विमोचन करेंगे। झारखंड खेल नीति 2022 में खेल एवं खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भाग लेने के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रावधान किया गया है। नीति राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चयनित खेल विधा में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रतिभा की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण दे चैंपियन बनाने की दिशा में काम करेगी। पंचायत से राज्य स्तर तक हर उम्र के नागरिकों के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए वातावरण तैयार होगा। इस नीति में देशज पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देने, खेल पर्यटन को बढ़ावा देने और दिव्यांग खिलाड़ियों को भी समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है। नीति के अनुसार राज्य के हर ब्लॉक में उच्च कोटि के खेल मैदानों का विकास किया जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से राज्य के खिलाड़ियों के लिए डे बोर्डिंग क्रीड़ा किसल केंद्र, आवासीय खेल विकास केंद्र और एकलव्य खेल अकादमी को बेहतर किया जाएगा। राज्य के सभी खिलाड़ियों के लिए देश का पहला खेल डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा और इसके अलावा ग्रामीण खेल केंद्र, खेल अकादमी, खेल विज्ञान, खेल प्रतिभा खोज, खेल संरचना, विकास प्रशिक्षक, विकास फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम, खेल ब्रांडिंग और पारदर्शिता का भी प्रावधान किया गया है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान के लिए पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर काम करने की योजना बनाई गई है। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, इंश्योरेंस और पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन योजना का लाभ देने के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने और राज्य स्तर की द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए भी प्रावधान किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।